मैं शिवम शुक्ला और आप देख रहे हैं PPF लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं फरुखाबाद जनपद के एक काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जैसे हम कहते हैं मसैनी चौराहा। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जो क्या है स्थिति आने वाले चुनावों की। सभी पार्टियाँ अपना अपना जोर लगा रही हैं इस चुनाव में, चुनाव प्रचार जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ऐसे में आखिर क्या जो भाजपा सरकार है वो अपने मुद्दों से, अपनी बातों से, अपने कामों से कुछ प्रभावित कर पाई है जनता को या फिर नहीं, इसके लिए हम लोगों से यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कितनी यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही हैं, क्या भाजपा सरकार यहाँ पर कार्य करा रही है उसके बारे में। दादा चाय का आनंद ले रहे हैं सर्दी में। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। यहाँ पर कितनी आपको यहाँ पर जो समस्याएं हैं, कुछ समस्या वगैरह देखने को मिल रही है, क्या भाजपा सरकार ने कुछ कार्य किया है या नहीं किया? क्या नहीं कार्य तो किया, मगर ये ट्रांसफार्मर बहुत बड़ी दिक्कत कर रहा है। अच्छा, किस प्रकार की ट्रांसफार्मर से दिक्कत होगा? जाम लग जाता है ट्रांसफार्मर की वजह से। हमें दुकानदारी करने में भी आपत्ति होती है, जाम लग जाता है, यहाँ ग्राहक फिर रुकता नहीं है, ग्राहक सीधा निकल जाता है, भागम भाग रहता है। ये ट्रांसफार्मर अगर नहीं होता तो यहाँ पे थोड़ा सी हिसाब किताब ठीक रहे। अच्छा, तो उससे आपका अगर ट्रांसफार्मर है तो लाइट का भी तो थोड़ा आराम रहता होगा। बिल्कुल, जब होता है तो नुकसान भी होता है, लाइट कहीं भी होगी ट्रांसफार्मर को, उससे क्या कानपुर में होगी, लाइट यहाँ आएगी। बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरा ये रहेगा हमारा कि ये जो सरकार है, अगर आने वाले चुनाव में अगर वोट की बात आएगी या फिर सरकार की बात करेंगे तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी ही आएगी? अच्छा, ऐसा क्यों है? फरुखाबाद जनपद में कुछ कार्य हुआ है? नहीं, वो तो पूरे प्रदेश में हुआ है। पूरे प्रदेश में हुआ? नहीं, अगर फरुखाबाद की विशेष क्रम बात करें, फरुखाबाद में नहीं, गुंडई पे कंट्रोल हुआ है। फरुखाबाद में सिर्फ गुंडई पे कंट्रोल? प्रदेश में हुआ है। अच्छा, प्रदेश में हुआ है। अच्छा, कोई ऐसा कोई काम वगैरह जिसको आप देख के लगाओ कि फरुखाबाद में ये हो गया, भाजपा सरकार में ये गजब हो गया भैया? नहीं, ऐसा है जब कोई डिमांड रखे तो वो काम भी हो जाएगा, काम हो जाएगा। अच्छा, गंगा एक्सप्रेस वे नहीं निकला? अच्छा, तो गंगा एक्सप्रेस वे हर जिला में थोड़ी निकला है, वो तो निकला ही है। वो तो अच्छा रहा यहाँ नहीं निकला, नहीं यहीं से कूड़ा कचरा सारी गंगा जी में ही जाता, कूड़ा कचरा वहाँ से जाता आती, सारी गंदगी को उलट सब गंगा जी में जाते, माँ गंगा सफाई के लिए है कि गंदगी के लिए? बिल्कुल, तो एक अलग अलग तरह के लॉजिक जनता के पास से निकल के आते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो लोग फिंगर खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जो सर्दियों की बात होती है इसमें कभी के क्या होता है कि कोई चाय का आनंद सर्दियों में लेता है, कोई फिंगर का लेता है। और यहाँ पर जो युवा हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति यहाँ पर रहती है। भाई साहब फिंगर का मजा ले रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? अरे यार मजा बिल्कुल नहीं हुई है भाई, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ है? अरे आप युवा हैं आप एक, तो मतलब क्या लगता है आने वाले समय में किसकी सरकार आएगी? भैया भाजपा की आनी चाहिए, बिल्कुल भाजपा की आनी चाहिए, बिल्कुल भाजपा की आनी। अच्छा, ऐसा क्या है कि मतलब भाजपा की आनी चाहिए, भाजपा ने ऐसा क्या किया है? भाजपा ने सब कुछ किया करके हम लोग डेली न्यूज में भी देख रहे हैं और जो है आगे भी देखना चाहेंगे जो जो कर रहे हैं करके, बढ़िया किया टोटली, टोटली बढ़िया है कहने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया के पास शब्द नहीं है, भैया 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 के पास शब्द नहीं है क्या 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 हुआ है इस भाजपा सरकार में? उनका कहना है कि सब कुछ किया गया है। अभी सब कुछ का मतलब पता नहीं जनता क्या समझ रही है सब कुछ।